एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आम जन के स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में जन औषधि केंद्र सहित तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर आम जनता तक को उत्तम स्वास्थ्य मुहैया कराए जाने की बात कही जाती है, वहीं वाराणसी में पीएम के संसदीय क्षेत्र में पूरे जिले से दूर दूर से मरीजों की देखभाल के लिए बनाया हुआ मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में आम मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ अस्पताल में मरीजों की मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, पूरे परिसर में गंदगी की अंबार लगी है, तो दूसरी तरफ मरीजों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु देखभाल के लिए दवाओं की किल्लत है। गर्मी में मरीजों को पानी का अभाव साफ नजर आ रहा है। इस संदर्भ में मंडलीय चिकित्सा केंद्र के सीएमएस ने बताया कि वर्तमान समय में चिकित्सालय में दवाओं की कमी है, जल्द ही इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। क्या कहाँ पे आप आए हुए हैं? यहाँ कभी चोरा हॉस्पिटल में। अभी आप पानी पीने गए थे? क्या वहाँ पे पानी नहीं है? चार टूटी लगा हुआ है, चारों पानी नहीं, कोई भी पानी नहीं है। क्या लगा लग रहा है? हम आज बहुत दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन चालू रहता रहा। आज सूखा है? आज सूखा। ठीक। कहाँ के रहने वाले आप? सरानंदन खुजवान दशमी के। क्या मामला है, क्या घटना? हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी हम यहाँ मेडिकल बनवाने आए हैं। तो क्या समस्या आपके साथ हो रही है? मेडिकल समस्या यही है कि जो है हम लोग का समय से काम पूरा नहीं हो पाता है। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं आप? अभी मतलब 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं। किससे मुलाकात हुआ और क्या आपको सांत्वना दिया जा रहा है? एक बार आए थे तो वहाँ पे जो मेडिकल मतलब जो है बन रहा था, फिर हमने ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा आए तो देखे कोई गायब। और हमारी समस्या यही है कि हम समय से कोई काम कर नहीं पा रहे। मतलब कुल मिला के मेडिकल आपका नहीं बन रहा है? नहीं। अब मेडिकल बनाने के लिए परेशान है? हाँ, यह लगातार दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं है, मेडिकल कुछ नहीं है। सर, यहाँ पे पानी की क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है दी गई? यहाँ पे एक प्याऊ था, प्याऊ की जो मोटर 1 हॉर्स पावर की थी, परसों गर्मी में बाइंडिंग के लिए निकाली गई, बाइंडिंग होने में तब से 48 घंटा आपको लगता है। लगभग कितने वाटर कूलर यहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ पे एक वाटर कूलर तो इमरजेंसी के साथ में लगा है, एक वाटर कूलर 3 नंबर वार्ड के साथ में, 3 नंबर वार्ड के साथ में। सर, प्याऊ में पानी नहीं आ रही है, उसी बगल में बाथरूम है, बाथरूम में काफ़ी गंदगी है। तो पहले काफ़ी हमने तोड़वा दिया था उस बाथरूम का, और तोड़वाने के बाद भी लोग उसको यूज कर ले रहे हैं। और जो पानी की जो व्यवस्था है, वाटर जो 1 हॉर्स पावर की मोटर से, गंदगी काफ़ी है जो है आपके क्षेत्रों में, गंदगी फैली हुई है, सफाई पानी की कमी की वजह से। कुछ मरीज ऐसे हैं जो कह रहे हैं यहाँ पे जो है दवाएं जो है समय से नहीं मिल पा रही हैं, मेडिकल सुविधा नहीं पा रही है, सप्लाई जो है गवर्नमेंट से नहीं आ पा रही है। दुर्व्यवस्थाओं का मतलब जिम्मेदार गवर्नमेंट है? यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन से सप्लाई जो हो रही है वो कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है हमको, विकलांग अभी कुछ विकलांग व्यक्ति मिले हैं, पेशेंट मिले, जिनका कहना है कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से दौड़ रहा हूँ अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए, टाइम दे दिया जा रहा है, मिल नहीं रहा है। नहीं, सीएनटी सर्जन जो है हमारे यहाँ एक है, पूरे जिले में होता है, उस सीएनटी सर्जन की जो है पुलिस भर्ती में ड्यूटी लगी है, पिछले 15 दिनों से ड्यूटी कर रहा है, अभी 1 हफ्ते तक भर्ती चल रही है। तो हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।